रखे होंगे ना भाई। हाँ हाँ दूसरा ध्यान नीचे नीचे गए, नीचे यहाँ नहीं। हेलो नमस्कार। आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री अतुल कोठारी जी, जो राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास नई दिल्ली के हैं, उनका सादर उपस्थिति हो चुकी है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रद्धा सुमन दिवस के पूर्व दिवस पर इस व्याख्यान में आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आदर, आस्था एवं शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी मंचासीन विद्वजनों को प्रणाम निवेदित करता हूं। सभागार में उपस्थित समस्त आगंतुकों, विद्वजनों एवं प्रतिभागियों को सादर नमन करता हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार देव प्रज्वलन हेतु एवं माँ सरस्वती तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण करने हेतु आमंत्रित करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि श्री अतुल भाई कोठारी जी का, हमारे संरक्षक माननीय वीसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर आपका वंदन करते हैं। श्री पुष्पों की माला चरणों में आपको अर्पण करते हैं। इस वंदना से आपके अभिनंदन से उत्सव का आगाज करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का यह आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय जी जिनकी पुण्यतिथि के पूर्व दिवस पर आज हम एकत्रित हुए हैं, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अनेक आयाम हैं, जिन्हें शब्दों में बांधना अत्यंत दुष्कर है। वे कुशल अर्थचिंतक, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार, सभी के सम्मिलित स्वरूप में एक विराट व्यक्तित्व थे। एक महान संगठनकर्ता तथा महान चिंतक के रूप में उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया। सभी ने उनके दर्शन एवं चिंतन को महत्व दिया, परंतु उनका राजनीतिक दर्शन भी उनके इन दोनों पक्षों के साथ अत्यंत चिंतन का ही यह प्रभाव था कि वे नेहरू के भारत नवनिर्माण के बजाय भारत के पुनर्निर्माण की बात करते थे। उन्होंने शासन का उद्देश्य अंत्योदय की परिकल्पना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि शासक को व्यापार नहीं करना चाहिए और व्यापारी को शासन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे भारतीय राजनीति और समाज के भ्रष्टाचार से मुक्ति के विषय में प्रारंभ से ही क्रियाशील रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में यह उद्गार और यह चिंतन अत्यंत प्रासंगिक जान पड़ता है और इसी हेतु दीनदयाल जी का संपूर्ण दर्शन, उनके विचार भारतीय जनमानस के लिए आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अतिथियों का स्वागत करने हेतु डॉक्टर दीपा चौबे जी से आग्रह करते हैं कि वे आए और मुख्य अतिथि जी को भूखे देकर उनका सम्मान करें। श्री फल देकर हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। धन्यवाद दीपक चौबे जी। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सुषमा चौहान जी से आग्रह करता हूं कि वे माननीय कुलपति जी को भुके देकर सर का सम्मान करें। आपको
कार्यक्रम के इसी क्रम में मैं श्री अमित जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और निदेशक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के प्रोफेसर जी एस शुक्ला सर को मुख्य देकर उनका सम्मान करें। श्री अमित जी अतिथियों के स्वागत के उपरांत कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अतिथियों के औपचारिक स्वागत के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक प्रोफेसर जी एस शुक्ला सर से आग्रह करता हूं कि वे आए और शब्द पुष्पों की माला से अतिथियों एवं अन्य प्रतिभागियों का स्वागत एवं विषय परिवर्तन करें। शुक्ला सर भगवती भागीरथी के तट के उत्तर दिशा पर स्थित पुण्य क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग में अवस्थित उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के तिलक शास्त्रार्थ सभागार में आयोजित आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के पूर्व दिवस कार्यक्रम पर इस सभागार में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के परमादरणीय कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्भव विद्वान यशस्वी परमादरणीय श्री अतुल कोठारी जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशक गण, विद्वान फैकल्टी मेंबर्स, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर ए.के. गुप्त जी और आज के इस कार्यक्रम के एक अति विशिष्ट व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित हैं, प्रोफेसर के भूटानी साहब। और आप इस विश्वविद्यालय के 10 वर्षों तक विद्या परिषद के सम्मानित सदस्य रहे हैं, जेके इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनके साथ आई उनकी डॉटर इन लॉ प्रोफेसर आर पी तिवारी जी, डॉक्टर राजेंद्र तिवारी जी, हमारे इस विश्वविद्यालय के समस्त विद्वान फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, देवियों और सज्जनों, आज का यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल जी के पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ है। यद्यपि उनकी पुण्यतिथि कल है, किंतु आप जानते हैं नगर में कल इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी व्यस्तता है, उसके वजह से हमने भाई साहब से आग्रह किया कि इसको एक दिन पूर्व करें और उन्होंने अपनी सहसहमत भी इसके लिए, तो ये कार्यक्रम हम आज कर रहे हैं। हमें से ऐसा कोई नहीं होगा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से परिचित न हो। यह भारतवर्ष अनेकानेक महान विभूतियों से अलंकृत होता रहा है और ऐसी विभूतियां हुई जिन्होंने पूरे विश्व को प्रदर्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, उनको एक गाइडलाइन दी। ऐसे ही विभूति के पुण्यतिथि पर आज इस कार्यक्रम में हम आपको यहाँ पाकर बहुत आह्लादित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। यह शोधपीठ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृति में इस विश्वविद्यालय में करीब 4 वर्ष पूर्व स्थापित हुई, किंतु इसका औपचारिक शुभारंभ अभी तक नहीं हो पाया था। और यह हमारे सौभाग्य की बात है कि वास्तव में आज इसका औपचारिक शुभारंभ
मेरे मुख्य अतिथि श्री अतुल कोठारी जी की उपस्थिति में और उनके कर कमलों से होगा। इस शोध बीज की काफी योजनाएं हैं, समाज के विभिन्न वर्गों में विभिन्न कार्यों में अपना योगदान देने के लिए यह प्रयत्नशील है। आज के दिन भाई साहब का पाथे अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही अपेक्षित है और हमें पूर्ण विश्वास है उनका पाथे हमारे रास्ते को प्रशस्त करेगा और हमारी इस पीठ को तो गौरवान्वित करेगा ही, साथ में विश्वविद्यालय को भी यशस्वी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने मुख्य अतिथि एवं माननीय कुलपति जी से आग्रह करता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। यह पुस्तिका जिसके शिल्पी एवं आधार देने वाले खुद माननीय कुलपति साहब जी हैं, इस पुस्तिका को पुस्तिकाकार रूप में लाने का श्रेय इस अनुसंधान पीठ से जुड़े सभी लोगों को जाता है, जिसमें इस अनुसंधान पीठ के निदेशक प्रोफेसर जी एस शुक्ला सर, सहाचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिंह और मैं स्वयं। डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने अथक प्रयास से इस पुस्तिका को इस रूप में लाने का प्रयास किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अपने मुख्य वक्ता या मुख्य अतिथि का उद्बोधन सुनेंगे। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये भारत मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। इसी अभिलाषा की पूर्णता के स्वरूप श्री अतुल भाई कोठारी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश की भावी पीढ़ी को विवेकानंद के दर्शन, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए मात्र प्रेरित ही नहीं किया और अपने जीवन को भी विवेकानंद की चिंतना के अनुसार जिया है और जी रहे हैं, तथा सामाजिक पुनरोद्धार में निरंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न प्रकल्पों और संगठनों के माध्यम से क्रियाशील भी हैं। यह जो सुखद भारत की अभिलाषा हमारे मन में है, यह युवा पीढ़ी तक किस प्रकार पहुंचे तथा हम विवेकानंद के वेदांत दर्शन से होते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म और अंत्योदय दर्शन के को संवेद स्वरूप के किस प्रकार आत्मसात करें, इस पर अपने विचार पुंज हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, मार्गदर्शन करें, जिससे हमारा यह मार्ग प्रशस्त हो सके। माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत है। सराय आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। अपने इस विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर किरण सिंह साहब, दीनदयाल शोध पीठ के निदेशक प्रोफेसर शुक्ला साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान आचार्य बंधुओं बहनों भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय कुलपति जी, माननीय निदेशक शुक्ला साहब जी और आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूँ।
कि ऐसा एक महापुरुष के नाम पर यहाँ शोधपीठ स्थापित की है कि जिसका जीवन कार्य ऐसा था कि जो पूरे देश को समाज को एक दिशा दे सकता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर आज आयोजित इस संगोष्ठी का भी एक इस दृष्टि से बहुत महत्व है। पंडित जी का जीवन बहुत छोटा कार्यकाल था, 52 साल की उम्र में चले गए और लगभग 53 साल हो गया उनको चले गए। 11 फरवरी 1968 को ही उनका स्वर्गवास हुआ था। तो इसी का एक निमित्त बनाकर आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ करने का शायद सोचा होगा लेकिन समय नहीं रहा उनके पास। हर बात की ईश्वर की योजना होती है। मनुष्य सब कुछ योजना बना सकता है, सब कुछ कर सकता है लेकिन आना और जाना वो किसी के हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में। इसलिए उन्होंने जो विचार चिंतन प्रत्यक्ष अपने जीवन व्यवहार से जो दिशा हमको दी है उसी के आधार पर हम लोगों ने इस पीठ में और इस विश्वविद्यालय में कार्य करना चाहिए और इसी की पहल विश्वविद्यालय ने की है। इसलिए मैंने आप सभी को अभिनंदन और साधुवाद दिया है। उनका जीवन कैसा था मुझे मैंने पूछा सिंह साहब को जब फोन किया उनके, मैंने कहा विषय क्या है, तो विषय तो जो आप बोले विषय है। मैंने कहा नहीं फिर भी आप कहिए। तो उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व इस पर बोलिए। तो उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व कैसा था, तो इनके स्वर्गवास के समय श्रद्धे अटल जी ने जो बातें कही थी दीनदयाल जी के बारे में उसी के शब्दों में जो है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। पंडित जी को हमसे छीनकर हमारी प्रगति थोपने में सफल होने का विचार करने वाले लोग दीनदयाल जी को असल में नहीं जानते, उनकी हत्या हो गई थी आप सब जानते होंगे। तो इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि पंडित जी को हमसे छीनकर हमारी प्रगति को थोपने रोकने में सफल होने का विचार करने वाले लोग दीनदयाल जी को असल में नहीं जानते। उनकी आई अनुयायी हम लोगों को भी वह पहचानते नहीं। उनका कार्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं था, तत्वनिष्ठ था। आदर्श सिद्धांत तथा सिद्धांतों के लिए जीने की सीख उन्होंने हम सबको दी है। आइए दीनदयाल जी की देह से बहे रक्त के कण कण को माथे पर लगाकर हम ध्येय पथ पर बढ़े। उनकी चिता से उनकी चिंगारी को हृदय में समाकर परमोच परिश्रम करें, भगीरथ प्रयास करें इस नव नदी जी की प्रत्येक हड्डी से व्रज तैयार कर आधुनिक वस्त्रासुर पर प्रहार करें, हमारी इस परम पावन मातृभूमि को सदा के लिए निष्कंटक बनाए। अभी अटल जी का श्रद्धांजलि के समय बोलने की जो बात है उसी को विस्तार कर दो तो दीनदयाल जी का कृतित्व और नेतृत्व और उनका जीवन सब बातें आ जाएगी। यानी उन्होंने कहा कि वो आदर्श और सिद्धांत के लिए जिए थे, वो बोलते कम थे, वो अपने व्यवहार से ही हमको बहुत कुछ सिखा देते थे। अटल जी ने अपना एक उदाहरण देकर कहा था कि उस जमाना था तो नए नए जनसंघ की शुरुआत थी तो
स्वीकार्यता होती नहीं है इतनी, और कष्ट बहुत होते हैं काम में, सुविधाएं असुविधाएं सब बातें होती थी। तो एक बार प्रवास आए तो कुछ कष्ट ज्यादा हुआ होगा प्रवास में कहीं ना कहीं, तो उन्होंने कहा, पंडित जी बैठे थे और एक दो लोगों से, क्या मैं आगे का प्रवास कैंसिल, ये प्रवास मैं नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार की स्थिति में सब लोग आश्चर्य की तो मौन हो गए। पंडित जी भी कुछ नहीं बोले। पंडित जी ने कहा कि अटल जी आप थक कर आए हैं तो जरा गर्म पानी मैंने रख दिया, स्नान कर लीजिए आप। जब तक अटल जी स्नान करके आया है तो पंडित जी ने स्वयं रोटी सब्जी आदि बनाकर तैयार करके रख दिया था मंच पर, और फिर साथ में भोजन किया, और अटल जी सारी बातें भूल गए और फिर प्रवास पर निकल पड़े। तो उन्होंने अटल जी को यह नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता, कठिनाई बहुत ही है, काम करना पड़ता है आदि आदि, कुछ नहीं कहा। लेकिन वो दो कृति से उनको शब्दों से जो बात समझ में ना आए अटल जी को, सारी बात समझ में आ गई। तो ऐसा जीवन था उनका कि वो अपने जीवन से सिखाते थे। जो आचार्य कहते हैं ना, हम अभी टीचर प्रोफेसर शिक्षक आदि आदि शब्दों का उपयोग करते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि धीरे धीरे हमने अपने संस्थानों में आचार्य शब्द का प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए। तो आचार्य कौन है, तो विनोबा जी के बहुत सुंदर पुस्तक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। पुस्तक का नाम है आचार्य कुल, यानी आचार्य का परिवार। श्रद्धेय विनोबा जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन ये शुरू किया था बिहार से आचार्य कुल नाम से, और वो एक पुस्तक रूप भी उन्होंने दिया था उनको। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा था विनोबा जी ने कि आचार्य कौन है। विद्वान महापुरुष इसी को कहते हैं कि एक वाक्य में हम लोग घर को बोलते नहीं समझ में आती, एक वाक्य में समझा देते। तो उन्होंने कहा आचार्य वो है कि जो व्याख्यानों से भाषणों से डांट कर डपट कर सिखाए वो आचार्य नहीं है। आचार्य वो है कि जो स्वयं के आचरण से सिखाए वो आचार्य है। तो इस आचार्य परंपरा के दीनदयाल जी थे कि उन्होंने स्वयं के आचरण से सिखाए, कम बोलते थे। श्रद्धे दत्तोपन जी ने एक उदाहरण एक बार व्याख्यान में दिया था, मुझे जीवन भर याद रह गया है उदाहरण। ये बात है लगभग 25 साल पहले की। तो दत्तोपन जी को भी कुछ समय कुछ जनसंघ का काम दिया गया, तो जनसंघ के संगठन मंत्री थे वो, नागपुर रहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि एक सज्जन आए और मिले मुझे, बड़े गुस्से में थे। हम लोग छोटे लोग इतना काम करते हैं और सब कुछ करते हैं, हमारा कोई विचार ही नहीं करते हैं, हमारी कोई पूछ ही नहीं है। तो सब सुनकर हुआ क्या है तो बताइए। तो हुआ क्या, क्या बताया आपको, टिकटें बांटी जा रही है लेकिन हमारा कोई विचार ही नहीं उसमें। तो मैंने कहा कि भाई देखो, ये टिकट देने का लेने का काम मेरे हाथ में है नहीं, वो तो दिल्ली से होता है, तो कौन करते हैं? तो दीनदयाल जी वहां है, तो बहुत से दीनदयाल जी, तो उनको मिलो जाकर अगर लगता है तो मैं तो पहचानता नहीं हूं, तो मैं चिट्ठी लिख देता हूं। तो चिट्ठी लिख दी और सज्जन दिल्ली रवाना हो गए। सुबह सुबह पहुंच गए, पहुंचे तो चाय सब पी रहे थे, दीनदयाल जी बैठे थे, वो तो जानते नहीं दीनदयाल जी, उस समय जो बहुत फोटो वोटो नहीं छपते थे और टीवी आदि तो था नहीं। तो आइए आइए बैठिए, बैठा है चाय पिया, कहां से आए, दीनदयाल जी ने पूछा क्या काम है। तो
तो के बस मैं ऐसे आया हूँ चिट्ठी तो पंजी की दिखाई तो क्या मैं ही हूँ जिंदा बताई तो के आपसे भेंट करनी थी तो पंजी चिट्ठी लिख दी से आया हूँ तो के वापसी कब जा रहा है तो के रात की ट्रेन है और कुछ काम कर दे क्या तो नहीं कुछ भी मैं तो कोई जानता नहीं दिल्ली में जब आप समय देंगे तो मिल लूंगा तो कहते तो शाम को मिलेंगे तो ठीक है तो काम तो कुछ था नहीं कार्य रहे जिज्ञासा हुई कि अखिल भारतीय नेता है दीनदयाल जी सबको टिकट देने का काम भी करते हैं तो जिज्ञासा होती है तो देख रहे थे क्या कर रहे दीनदयाल जी तो दीनदयाल जी भर वो हमारे स्वयं की अलमारी साफ कर रहे थे पुस्तकालय उनका स्वयं का था वो ठीक ठाक कर रहे थे ऐसे एक जो आज के संदर्भ में जिसको चपरासी का काम कह सकते हैं ऐसे सब काम दीनदयाल जी कर रहे थे वो देख रहे थे दिन भर सब देखा दो पर गए फिर भोजन साथ में किया फिर तो अपने अपने काम में लग गए शाम को जब 5 बजे मिलने का समय हुआ तो बुलाया तो आ गए मिलने तो बताइए क्या विषय था तो दिन भर दीनदयाल जी को देख कर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बस कुछ काम नहीं था आपने कभी दर्शन नहीं किए तो दर्शन करना आया था 10 मिनट बैठकर दर्शन करके हाथ जोड़कर निकल गए वापस। तो ये दीनदयाल जी का जीवन था मैंने जैसे कहा कि शब्दों से ही सिखाते थे शब्दों से कुछ नहीं कहते उनका जीवन ही बोलता था। तो आज जो क्राइसिस है हमारे समाज जीवन में राजनीतिक जीवन में सब के वो यही सारा क्राइसिस है कि कथनी और करनी में कहीं तालमेल नहीं दिखता है इसलिए फिर अनुशासनहीनता होती है इसलिए फिर साट मारिया होती है सब कुछ बातें होती है। तो दीनदयाल जी का जीवन इस प्रकार का था और बहुत ही प्रकार की प्रतिभा के धनी थे वो लेखक थे पत्रकार थे चिंतक थे विचारक थे राजनीतिज्ञ थे संघ के प्रचारक थे यानी एक व्यक्ति कितने विषयों पर काम कर सकता है और जो भी काम करेंगे वो उत्कृष्ट तरीके से करते थे हमेशा। जब राष्ट्र धर्म प्रकाशन शुरू किया था लखनऊ में तो वही संपादक थे लेकिन एक बार कोई परिस्थिति आई और कुछ स्थितियां ऐसी आई तो जो काम करने वाले चपरासी आदि आदि कोई आए नहीं कुछ कारण से तो स्वयं साइकिल ऊपर वो ढोकर रेलवे स्टेशन ले गए पहुंचाने के लिए जो आजकल हम लोग कुरियर को या किसी को काम देते हैं साधारण संपादक थे वो। जीवन में पूर्ण रूप से सादगी थी सादा जीवन उच्च विचार जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था वो दीनदयाल जी को आप देखेंगे उनका जीवन पढ़ेंगे तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा कि बिल्कुल सामान्य धोती कुर्ता ही पहनते थे फटे फटे चप्पल होते थे नहीं तो अखिल भारतीय महामंत्री अखिल भारतीय अध्यक्ष एक पार्टी का उनको क्या कुछ नहीं मिल सकता। और जैसा नाम था ऐसे गुण थे दीनदयाल दीनहीन पीड़ित दुखी के वो मसीहा जैसे थे कभी वो देख नहीं सकते थे ऐसी स्थिति। एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो कोई जिले का अधिकारी स्तर का व्यक्ति भी साथ साथ बैठा था अभी दीनदयाल जी को कोई पहचान नहीं पाते थे जल्दी से जो मिले नहीं है या देखा नहीं है क्योंकि ऐसे साधारण दिखते थे वो
इतना बड़ा व्यक्ति है वो कोई समझ नहीं पाते थे। तो एक बच्चा आया और दीनदयाली को चप्पल को उठाया और पुलिस करने लगा, तो दीनदयाली कुछ नहीं बोले, कर लिया, पैसा दे दिया, हो गया पुलिस। तो फिर अधिकारी के जूते थे तो बच्चा कह रहा था कि सर आपके जूते भी पॉलिश कर दूं क्या? तो कि तुम्हारे पास साफ कपड़ा है क्या? तो बच्चा बेचारा कहेगा कपड़ा तो नहीं है साफ, क्योंकि 10-20 तो साफ किए होंगे जूते चप्पल, तो फिर जैसे थोड़ा हो जाता है काला कलर उस पर हो गया था, फिर नहीं करना जब। तो बेचारा बच्चा थोड़ा गरीब था बहुत और जरूरत होगी पैसे, तो हाथ में आंसू आ गए उनको और चलने लगा। तो दीनदयाल जी बाहर गए, वो चलते रेलवे में थे तो उधर मालूम है कैसे बच्चे बेचारे शौचालय पास उनके पास बैठ जाते थे। तो गए वहां और उन्होंने हाथ में जो उनका रुमाल था सफेद कलर का जेब में रखते थे उसको फाड़ा और आधा टुकड़ा उनको दिया कि लो ये तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है इसका उपयोग करो। और फिर वो बच्चा आ गया और उनका सर अभी कर दू कपड़ा मेरे पास आ गया करो। तो फिर जूते साफ किए तो कपड़ा कहां से तुम्हारे पास आया? तो बच्चे ने बताया। तो वो एकदम आश्चर्य थे कि तभी कुछ बात करे बोले तब तक तो स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया तो बाहर नारे लग रहे हैं दीनदयाल जी जिंदाबाद दीनदयाल जी जिंदाबाद। और दीनदयाल जी वो देख रहे दीनदयाल जिंदाबाद किसके लिए नारे लग रहे हैं, यहाँ तो कोई है नहीं ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा। और दीनदयाल जी उठकर गए और देखा उन्होंने गेट पर तो वही दीनदयाल जी थे और उनका ही माला से स्वागत हो रहा था। तो उस अधिकारी ने कहा कि मैं जिंदगी भर ये दिन कभी नहीं भूल सकता। तो इस प्रकार का जीवन था, जीवन में रग रग में प्रामाणिकता समाई हुई थी। एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे तो उस समय ट्रांजिस्टर रहते थे और ट्रांजिस्टर के पुराने लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का भी उसका भी पंजीयन कराना पड़ता था और उसके कुछ हर साल टैक्स भरने पड़ते थे और तब इसका लाइसेंस भी नहीं होता, उसके भी लाइसेंस होते थे। तो उन्होंने स्वयं समाचार सुनते थे स्वाभाविक है, तो ट्रांजिस्टर निकाला अपने थैले से और सुनने के लिए गए। फिर अचानक क्या हुआ, फिर ज्ञान था। फिर पास में एक सज्जन बैठे थे तो उनके पास भी ट्रांजिस्टर था, तो उनको निवेदन किया कि आपका ट्रांजिस्टर थोड़ा समाचार सुनने के लिए देंगे क्या? तो उनका दिया तो सही लेकिन उनको आश्चर्य हुआ कि अपना ट्रांजिस्टर निकाला चालू करने का प्रयास किया फिर अंदर रख दिया और मेरा लिया समाचार सुन लिया। फिर उस सज्जन पूछा क्या आपका ट्रांजिस्टर खराब हो गया है क्या? तो नहीं नहीं खराब नहीं बिल्कुल ठीक है। तो एक जिज्ञासा पूछू तो पूछिए तो के आपने अपना ट्रांजिस्टर निकाला शुरू करने गए फिर अंदर रख दिया फिर मेरा ट्रांजिस्टर लेकर आपने सुना और आपका ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा है खराब भी नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो क्यों ऐसे किया? तो जब मुझे ट्रांजिशन निकालने के बाद याद आ गया कि इनका समय था जो रिन्यू करने का लाइसेंस का वो आज ही दिन पूरा हो गया है, आज मुझे रिन्यू कराना चाहिए लेकिन मैं प्रवास में इसलिए कुछ दिन से नहीं करा पाया हूँ, अभी कल जाकर करूंगा तब इस ट्रांजिशन का उपयोग करूंगा, तब तक मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कानून नियम कानून का जीवन में पूर्ण रूप से पालन कर आप देखिए कि अगर चौराहे पर पुलिस वाला नहीं खड़ा है तो लाल लाइट पर कोई गाड़ी रुकती है क्या? गाड़ी बाइक स्कूटर कोई रुकता है क्या? तो मजाक में कहता हूं कि हम कहते लोकतंत्र लेकिन हमारे डंडा सही चलती है, जब वो पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा है तब तो सब खड़े हो जाते हैं, जब वो पुलिस वाला नहीं है तो कोई नहीं खड़ा रहेगा। तो ये जो नागरिक कर्तव्य है जिसको हम इंग्लिश में सिविक सेंस भी कहते हैं उसकी बहुत बड़ी क्राइसिस है देश में हमारे। ये जो ट्रैफिक जाम होता है ना वो उसका अधिकतर कारण ये होता है क्योंकि हम मानते नहीं ट्रैफिक को और कोई रुक गया तो वो बेचारा गालियां भी सुनता है
हमने सुनी है बहुत, क्योंकि हमारा चालक को आदत है गाड़ी के दिल्ली में कि रात को 1:30-1 बजे भी हम कभी कभी आते हैं एयरपोर्ट से या ट्रेन से जाते हैं, तो वो लाल लाइट हुई तो वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, तय है। तो कुछ बड़े घराने के बच्चे होते हैं जो अनुशासनहीनता मांगे तो वो कुछ इधर उधर फोन कर निकल जाते हैं, लेकिन अनुभव आता है फिर धीरे धीरे गाड़ियां रुकने लगती है रुकी तो शुरुआत कौन कर रही प्रश्न होता है। तो अपने जीवन में नियम कानून को कभी उन्होंने तोड़ा नहीं, नागरिक कर्तव्य के हर बातों का उन्होंने जीवन में पालन किया। तो इस प्रकार की अनेक घटनाएं उनके जीवन में देखने को मिलती है और बड़े विकट परिस्थिति में ईश्वर ने जितना एक मनुष्य को कष्ट दे सकते हो उतने कष्ट उनको थे जीवन में। बहुत छोटी उम्र में माता पिता चले गए थे, जब 9वीं कक्षा में थे तो एक ही भाई था वो चला गया, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया पढ़ाया लिखाया ऐसे बाबा जी बीच में चले गए। उसकी एक मौसी थी जिसको बहुत स्नेह करते थे दोनों एक दूसरे को, वो चली गई ऐसे, और बहुत दुर्दशा भयानक दरिद्र स्थिति थी। कई बार आज कहते हैं कि अरे ये बेचारा क्या है, सुविधाएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। जितनी असुविधाएं जितना कष्ट जीवन में हो सकता है मनुष्य के जीवन में, वो सब उनके जीवन में था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी पढ़ाई में वो कोई पीछे नहीं रहे, नंबर एक पर ही रहे। उनके भाई का जब स्वर्गवास हो गया तो वो इतने निराश हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बोर्ड की परीक्षा दी और सबसे ऊपर आए। तो सीकर के महाराज राजस्थान में वो मामा जी कर रहते थे, तो सीकर के महाराज को मालूम हुआ तो उनको बुलाया गया और उनकी बड़ी प्रशंसा की गई और कहा कि आपको पारितोषिक के रूप में क्या दिया जाए बताइए। देखिए ऐसी परिस्थिति और बड़ा पारितोषिक महाराज आप बुला करके कहते हैं तुमको क्या चाहिए पूछ रहा है, और आप सब जानते हैं कि उस समय के महाराजा जो मांगो वो दे देते थे, अपना वचन वापस नहीं लेते थे। लेकिन विंध्या जी ने क्या किया, उनको उत्तर दिया, हाथ जोड़कर कहा कि आपके आशीर्वाद चाहिए बस। यानी अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं किसी से, व्यक्ति से लेकर महाराज से लेकर ईश्वर के साथ कभी अपने लिए नहीं मांगा। पूजनीय गुरु जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उनका एक वाक्य था, वो हम उसको ध्येय वाक्य कह सकते हैं उनके जीवन का, मैं नहीं तू ही। तो एक प्रकार से दीनदयाल जी गुरु जी के शिष्य ही थे, संघ में शिष्य गुरु की परंपरा ऐसी भाषा नहीं है, मैं तो समझने के लिए बोल रहा हूं। तो उस गुरु जी के जीवन का ध्येय वाक्य था, उसको यथावत इस शिष्य ने अपने जीवन में उतारा था कि हमेशा दूसरे का विचार करना, अपना विचार कभी नहीं करना। एमए की पढ़ाई जब कर रहे थे वो, तो बहुत कानपुर में पढ़ाई की एमए की उन्होंने, पढ़ाई में तो मैंने जैसे कहा इस प्रकार कहते हैं विद्वान बड़े। तब उसी मौसी बहुत बीमार हो गई और आगरा के अस्पताल में उसको दाखिल किया, तो उनकी कोई देखभाल करने वाले थे नहीं, तो ये पहुंच गए। अंत में मौसी बची नहीं, चल गई, लेकिन इस कारण से दीनदयाल जी जीवन भर एमए नहीं कर पाए। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत की दो विशेषता है, त्याग और सेवा।
ये जो स्वामी जी ने कहा कि भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति की दो विशेषता है त्याग और सेवा, ये दीनदयाल जी के संपूर्ण जीवन में देखने को मिलती है। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एमए नहीं किया तो उनके मामा जी के आग्रह पर उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन इच्छा तो थी नहीं उनकी और फिर नौकरी में नहीं गए और संघ के प्रचारक निकल गए और आजीवन देश के लिए समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। त्याग और सेवा दीनदयाल जी के जीवन व्यवहार से आपको देखने को मिलता है कि त्याग और सेवा क्या होती है। तो उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व इस पर डाक था। और मैंने जैसे कहा कि बहुत अच्छे चिंतक विचारक थे, बड़े विद्वान थे, बहुत कुछ बातें उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने जो एक बात जो हम सबको दिया है इस पर इस पीठ में बहुत हम लोगों ने काम करना है, एकात्म मानव दर्शन। मेरी गलती हुई इसलिए मैं पूर्व सूचना नहीं दे पाया। मैंने कहा कि यहाँ बोर्ड लगा होता तो आपको समझने बहुत सुविधा हो जाती, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि भाषण से शब्दों से जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो आकृति से आपको दिखाता तो बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते थे इसको। क्योंकि मैं भी जब एकात्म मानव दर्शन का अभ्यास पहले कुछ सालों पहले मैंने किया तो मुझे भी बहुत कठिन लग रहा था। तो एक बार मेरा एक संघ शिक्षा और इस विषय पर बौद्धिक रखा था तो मैं काफी मशक्कत करते रहा इस विषय पर, महीने डेढ़ महीने से तैयारी करता रहा, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसको सरल भाषा में कैसे कहूं समझ में नहीं आता है मुझे। और वो स्वयं शोक तो उस वर्ग में 15-18-20 साल से अधिक ज्यादा होते हैं बच्चे, तो उनके लिए और थोड़ा कठिन हो जाता है। तब फिर मंथन करते करते मैंने इस आकृति को देखा किताब में, तब फिर मुझे लगा कि हाँ इसको आकृतियों को मैंने पहले समझा, फिर मैंने कहा कि अब इन्होंने आसान रास्ता हमको दिखा दिया कि भारतीय चिंतन और विश्व के चिंतन में क्या अंतर है। यह एक आप मानव दर्शन की बात है। मैं एक कागज पर आपको बताने का प्रयास करता हूं। दिख रहा है क्या किसी को? दूर से नहीं दिख रहा होगा ना? पीछे नहीं दिख रहा है तो दे दीजिए। दो प्रकार की आकृति मैंने की है कि गोल चक्कर, ठीक है ना, एक एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीसरे से सात की है। दूसरा है कि आकृति उसी प्रकार की है लेकिन सातत्यपूर्ण है, जुड़ा हुआ, एक चक्कर दो चक्कर आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो सात चक्कर क्या है जिसको सप्तपदी भी लोग कहते हैं कि व्यक्ति सबसे छोटी इकाई है, दूसरी इकाई है परिवार, तीसरी इकाई है गांव कस्बा जहां भी रहते हैं, चौथी इकाई है समाज, पांचवी इकाई है राष्ट्र, छठी इकाई है श्रुति और सातवीं इकाई है परमेश्वर। तो
पश्चिम का या दुनिया भर का विचार क्या है कि जो पहले वाली आकृति है कि पहले छोटा गोलाकार है फिर दूसरा उसके ऊपर दूसरा, लेकिन वो दोनों गोलाकार कहीं एक दूसरे से मिलता नहीं है, तो सातों गोलाकार एक दूसरे के ऊपर ऊपर किए गए लेकिन एक दूसरे का टच नहीं होता है। तो पश्चिम का या दूसरे दुनिया के देशों का विचार सुनिए है कि व्यक्ति और परिवार का आपसी कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति का हित और परिवार का हित अलग अलग बात है। इसलिए अनेक देशों में बच्चा 17-18 साल का हो गया तो फिर अपने रास्ते, परिवार अपने रास्ते, माँ बाप बड़े हो गए तो फिर वृद्धाश्रम में जाएंगे, हमारे यहां कुछ होने लगा है वो भी बहुत कम मात्रा में अभी। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, पर्यावरण का जो संकट है देश और दुनिया में उसका कारण कि प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया। तो प्रकृति भी हमारा एक परिवार है, ये हमारा भाव नहीं है। पहले था कि वे रात को वृक्षों को टच भी नहीं करते थे लोग, क्योंकि भाई वो रात को सो जाता है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए हम तुलसी माता की पूजा करते थे, हम पीपल की पूजा करते थे आदि आदि। प्रकृति कैसे, हर नदी को माता कहते हैं हम, गंगा माता दुनिया में कहीं नहीं कहते। तो सबका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सुख दुख सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये उस आकृति में, दूसरी आकृति में है कि व्यक्ति परिवार ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। तो एकात्म विचार इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो, और हर बात का अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों विचार जिसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है वो हमारा विचार नहीं है। हमारे बच्चा 25 साल का हो जाए और कमाता धमाता रहे तो घर में रहेगा और बाकी बच्चे के साथ वो भी चलता रहेगा। अभी तो थोड़ी स्थिति बदली है, नहीं तो मैंने हमारा अनुभव छोटे से मालूम है कि बड़े बड़े परिवार में एकाध बच्चा ऐसा होता था जो कुछ नहीं करता था, व्यवसाय काम रोजगार कुछ नहीं करता था, वो कहीं ना कहीं समाज सेवा काम करते थे। हमारे मामा जी का लड़का था तो वो क्या करता था, बस किसी का शादी ब्याह कराना और इस प्रकार के सामाजिक काम में लगा रहता था, ऐसा अपनी रुचि पर। और घर परिवार में उसका सम्मान होता था, ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी को कोई ये करता था वो करता था। तो ये जो पारिवारिक संकल्पना है ये भारत की सबसे विशेष बात है। एक बार लंदन में हिंदू स्वयंसेवक संघ वहां है, जैसे यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो वो वहां हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती थैचर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम आई थी, प्रधानमंत्री थी वो, तो उन्होंने अपने व्याख्यान में एक बात कही, बाकी सारी बातें कही होगी, लेकिन उन्होंने कहा आप लोगों से, भारत से हमको एक बात सीखनी है और वो है परिवार संकल्पना, परिवार व्यवस्था। हमारे यहां हर स्तर पर परिवार की बात है। आज क्या हम इस बातों को जितना भूल रहे हैं उससे संघर्ष बढ़ रहा है समाज में। हम लोग विद्यालय परिषद में काम करते थे तो आधारभूत संकल्पना में एक संकल्पना थी कि हमारा शैक्षिक परिवार है, शिक्षा ही हमारा परिवार है। और कैसे परिवार भाव होता है, मैं जब बड़ौदा में था तो हम लोगों ने वहां कुलपति को मिलने के लिए कहे थे, तो माननीय कुलपति महोदय अपने धमके थे तो हमने कहा कि भाई 3-3.5 महीने हो गए परिणाम क्यों नहीं घोषित हो रहा है, और जी चर्चा हो गई तो थोड़ी गर्म चर्चा हो गई तो कुलपति दाव में आ गए बहुत। तो उन्होंने कहा नहीं आया, नहीं आया, क्या कर लोगे अब, जो करना है करो जाओ, उसे हो गए बहुत। हमने कहा ये शब्द तो आपको उपयोग नहीं करना चाहिए, अच्छा आप सिखाओगे हम कौन सा शब्द उपयोग करना चाहिए। सिखाए तो हमने, लेकिन हम आपसे अपेक्षा नहीं, आप कुलपति गुरु है हमारे, तो ऐसे करते ठीक है हम भी देखेंगे।
हम भी ताऊ में आगे लोग बच्चे होते बच्चे बच्चे होते और पदवीदान समारोह था दीक्षांत समारोह तो उसमें पीएन भगवती उस समय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आए थे तो हम लोगों ने घेराव कर दिया और घेराव कर दिया लाठीचार्ज हुआ गिरफ्तारी सब हुई फिर मंच पर हुआ कार्यक्रम तो मंच पर बाकी कार्यक्रम चलता रहा लेकिन जब कुलपति खड़े हुए तो मंच पर लोग चार पांच लड़के चढ़ गए और माइक ले लिया और फिर माइक से बोले कि माननीय भगवती साहब आपका अपमान करना हम नहीं चाहते इस कार्यक्रम को बिगाड़ नहीं चाहते लेकिन इनको हम नहीं बोलने देंगे और बात बता दी क्या तब तक तो पुलिस आगे गिरफ्तारी हो गई ओके घटना पूरी हो गई। कुछ ही दिन बाद गुरु पूर्णिमा आ रही थी तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग जाते थे सब गुरुओं के पास तो हम कुलपति के पास चले गए तो फिर गुस्से में अभी मेरा पूजन करने आए हैं आप और उसको कुछ लेकर आए हैं और सम्मान करने आए हैं और गुरु करके आए हैं उस दिन तो सब अपमान कर दिया मेरा ये तो हमने कहा साहब आप बड़े हैं गुरु हैं हाथ जोड़कर हमने कहा हम तो आपका यही स्थान चाहते हैं लेकिन आप सोचिए कि कौन सा स्थान आपने अपना बनाना और फिर ठंडे हो गए और हमने सम्मान किया पूजन किया और चाय भी उन्होंने पिलाया और फिर वापस आ गए। तो यह परिवार भाव है कि ठीक है हमारा एक विषय पर झगड़ा है इसका अर्थ बदल नहीं हो जाएंगे हम भूल नहीं जाएंगे कि हमारे पिता समान है ये तो ये परिवार भाव हर स्तर पर हमारे यहां है उद्योगिक परिवार है मजदूर मालिक मैनेजर सब एक परिवार के सदस्य तो हर स्तर पर परिवार संकल्पना हमारे यहां है वो जहां भी रहेगी वहां संघर्ष कम होगा वहां स्नेहपूर्ण कार्य सारा होगा ठीक है परिवार होता है तो कभी बाप बेटे का कभी दो भाई बहन का झगड़ा होता है ठीक है इसलिए अलग थोड़े हो जाते हैं तो ये परिवार भाव सब व्यक्ति से परिवार से लेकर परमेश्वर तक भगवान भी हमारे परिवार का एक सदस्य है इसलिए अधिकार पूर्वक हम कहते हैं कई बार फिल्मों में दिखा देता है कहीं और कि वो व्यक्ति जाकर कुछ उसकी बहुत कष्ट होता है भगवान पर भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो हमारे परिवार का मुखिया है भगवान इसलिए हम उसके गुस्सा करने का भी मत दिखा रहे तो ये एकात्म मानव दर्शन है ये कोई नई बात नहीं है लेकिन जब पिछले सैकड़ों सालों से परतंत्रता में आक्रमण के कारण हम हमारी संस्कृति हमारी परंपरा ये सारी जो भूलते गए इसको पुनर्स्मरण पुनर्जीवित करने का एक बहुत अच्छा विचार आज के संदर्भ में दिया उन्होंने तो इस एकात्म मानव दर्शन पर इनके हर प्रकार के पहलू है एकात्म मानव दर्शन शिक्षा के स्तर में कैसे हो लागू हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में कैसे लागू हो सकता है ऐसे अलग अलग क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार उनका दृष्टिकोण है तो आज की जो देश और दुनिया की समस्या है उस सारी समस्याओं का समाधान उसमें निहित है इसलिए इस एकात्म मानव दर्शन पर इनके विभिन्न आयामों पर बहुत गहराई से काम करना चाहिए मैंने शुरू में कहा कि पंडित जी इतने जल्दी चले गए और राजनीति में कितनी व्यस्तता रहती है हम सब जानते हैं तो उस स्थिति में भी उन्होंने पुस्तकें तो लिखी गई लेकिन उसके व्यवहारिक पक्ष पर जो जो काम होना था उनकी इच्छा तो यह थी कि भारतीय जनसंघ आज का भारतीय जनता पार्टी वो शासन में आए तो इस आधार पर शासन व्यवस्था और संपूर्ण भारत की समाज व्यवस्था का निर्माण करे शायद इसी दिशा में कुछ कदम आगे किया जा रहा है जैसे शिक्षा क्षेत्र में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो उसी की दिशा का एक कदम है मेरी दृष्टि से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि लोकल को लोकल बनाओ
स्थानीयता की जो बात कही है, स्वदेशी की जो बात नहीं थे उसमें, वो सारे उसी दिशा का एक कदम है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। कोई ये हम फर्स्ट फ्लोर पर कार्यक्रम प्रथम मंजिल पर आए हैं तो आना है, या तो जंप लगा कर तो नहीं आ सकेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि ये पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों की एक एक सीढ़ी अभी छोटी छोटी प्रारंभ हुई है शायद। लेकिन जो ये चिंतन है उसको व्यवहारिक रूप देना, ये कार्य हम इस अध्ययन पीठ में कर सकते हैं क्या? पहले इसका विभिन्न पहलुओं पर साहित्य तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक विचार चिंतन दिशा जो होती है वो बहुत संक्षिप्त होता है, वो दिग्दर्शन का कार्य सिद्ध करते हैं। इसके आधार पर देश काल परिस्थिति और अपनी स्वयं की स्थिति के आधार पर हमने एक पुनर्रचना करनी पड़ती है। तो इस दृष्टि से जो पंडित जी थे 53 साल पहले, वो जो उन्होंने संकल्पना की होगी अर्थ क्षेत्र की या शिक्षा क्षेत्र की, मान लो मन में वो ये था, आज नहीं चलेगी, क्योंकि वो 53 साल का कार्यकाल चला गया है। तब कंप्यूटर नहीं थे, तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, तब ऑनलाइन की बात नहीं थी, तो हर समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार जो जो परिवर्तन बदलाव होता है उनके अनुसार फिर बदलाव होते रहना चाहिए। और यही भारतीय परंपरा थी, वो पिछले 700-800 वर्षों में काफी विघ्न आ गया और स्वतंत्रता के 100-150 साल में बिल्कुल बंद हो गई और उल्टी दिशा बदल गई। अभी दीनदयाल जी के शैक्षिक चिंतन पर कोई पुस्तक नहीं है, तो मुझे लगभग हो गए लगभग 5-6 महीना हो गया, तो धर्मशाला में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां से एक आचार्य का फोन आया कि भाई दीनदयाल जी की जन्म जयंती पर व्याख्यान एक आपका रखना है। मैंने कहा ठीक है, तो उनका विषय क्या रखे? मैंने कहा विषय आप तय करें। तो दीनदयाल जी का शैक्षिक चिंतन पर आप बोलिए। अभी मेरी आदत है, मैं कह दिया हा कह देता हूं उस समय, तो जब हा कह दिया फिर मैं सोचने लगा कि भाई जरा पुस्तक ढूंढू जिन्होंने दीनदयाल जी पर बहुत काम किया है, रिसर्च भी किया है, ऐसे डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा उनको फोन किया, ऐसे कई लोगों को मैंने किया जो इस विषय के विद्वान थे, 5-7 लोग जानकार मिले, सबने कहा कि ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। तो दीनदयाल जी का समग्र दर्शन है, एक पुरानी भी 6 पुस्तक है और एक अभी वर्तमान में जो महेश चंद्र जी की अध्यक्षता में कई लोगों ने मिलकर जो बनाया है, बड़े बड़े ग्रंथ बनाया है, सब मैंने खंगोलना शुरू किया। फिर जहां जहां शिक्षा की बातें थी उसको अलग से निकालना प्रारंभ किया और फिर मैंने भाई क्या क्या किया। तब मैं उन्होंने विचार आया कि भाई ये काम अधूरा है तो इसको करना चाहिए। अभी हम लोग भी क्या है, भटक के आत्मा है, आज यहाँ है कल कहाँ होंगे परसों कहाँ होंगे मालूम नहीं, तो हमारी भी स्थिति ऐसी होती है कि बहुत बैठकर काम कर नहीं पा रहे हम लोग, जब जब थोड़ा मिल जाता है फिर कर लेते हैं। तो ऐसे नए कोई विषय आते हैं मैं तुरंत हाँ कह देता हूँ, उसका कारण एक भी होता है कि नए विषय प्रस्तुत करना हमारे लिए चुनौती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरा एक ये वाक्य है कि चुनौती को अवसर में बदलना यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कोरोना काल में भी हमने यही किया, पुस्तक एक छापी है दी है आप लोग साहब को मैंने कि चीनी कोरोना महामारी शिक्षा के समक्ष चुनौतियां और अवसर। तो ऐसे एक एक पहलुओं पर पहले सैद्धांतिक रूप से काम हो, फिर धीरे धीरे व्यवहारिक रूप में काम हो। जैसे हमने गांव गोद लिया है, मैंने कितने गांव गोद लिए हैं 5 गांव गोद लिए हैं। तो दीनदयाल जी ने अर्थरचना के बारे में एक सुंदर बात कही थी कि गांवों के क्लस्टर बनाने चाहिए,
इस नीति में शिक्षा के विद्यालय के क्लस्टर बनाने की बात कही गई है। मैंने कहा कि दीनदयाल जी का चिंतन कहीं ना कहीं इस नीति में है। तो जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने कहा बहुत अच्छा विषय है कि शिक्षा का विद्यालयों का महाविद्यालयों का क्लस्टर बनता है, तो उसको आगे अर्थसंरचना की दृष्टि से भी उस क्लस्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। जो होलिस्टिक अप्रोच की बात, समग्रता की दृष्टि की बात भी इस नीति में बारंबार कही गई है, वो यही है कि आर्थिक क्षेत्र के अलग सोचो, शिक्षा के अलग सोचो, अलग अलग भी सोचो, संयुक्त रूप से सोचो। तो शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग होगा तो आर्थिक संरचना के लिए भी प्रयोग सफल हो सकता है, आगे उपयोग किया जा सकता है। जैसे विद्यालय स्तर का जो क्लस्टर बनाने की बात कही गई है, आप विद्वानों ने अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा नीति के, इस नीति में कई विषयों की स्वतंत्रता बच्चों को दी गई है कि बच्चे अपनी मर्जी से विषय क्लास 9-12 में जो 11-12 सिस्टम है कि उसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स बच्चे कोई भी ले सकते हैं, तो इसके बदले 9-12 तक का जो है उसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ नहीं रहेगा। बच्चे साइंस के साथ संगीत भी रख सकते हैं, साइंस के साथ संस्कृत भी रख सकते हैं, फिजिक्स के साथ फिजिकल एजुकेशन भी रख सकते हैं, अकाउंटेंट कॉमर्स के साथ योग भी रख सकता है। तो ऐसी विषय की छूट व्यापक स्तर पर दी है। अभी सारे विषयों के लिए बच्चे तो चलो कोई चेक किया 10 बच्चे 5 बच्चों तो हर विद्यालय में शिक्षक कहां से मिले, संभव नहीं है। तो विद्यालयों का क्लस्टर बने 10-12-15 विद्यालय को, वो इसमें एक जो बहुत अच्छा विद्यालय हो, बड़ा विद्यालय हो, वो उसका नेतृत्व करे और साझे मिलकर सब लोग इसकी व्यवस्था करें। आज तो ऑनलाइन उपलब्ध दोनों उपलब्ध है, तो कुछ कोर्स ऑनलाइन भी हो सकते हैं, प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। शिक्षक भी 5-7 किलोमीटर का अंतर्गत क्लस्टर बनेगा तो आने जाना भी कोई कठिन बात नहीं होती। तो यही अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दीनदयाल जी ने कहा है कि आज हम कहते हैं कि भाई इस गांव से शहरीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि आज गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा अस्पताल शहर में है, अच्छे शैक्षिक संस्थान शहर में है, अच्छे रोड शहर में है, अच्छे थिएटर, अच्छे मॉल, अच्छी बातें सब वो सब शहर में, तो बच्चों को आकर्षण होता है कि भाई हम क्यों शहर में न जाए, हम क्यों कष्ट उठाकर गांव में रहे, हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो दीनदयाल ने कहा ऐसा क्लस्टर बनाना चाहिए और जो जिसमें मेन केंद्र बिंदु जो कस्बा शहर गांव होगा वहां सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, वहां अच्छा थिएटर भी हो, अच्छा मॉल हो, अच्छा महाविद्यालय हो, अच्छे मार्केट हो, आदि आदि चीजें, इन 5-7 किलोमीटर के गांव को सब लोगों के लिए उपलब्ध रहे। तो फिर क्यों 200-500 किलोमीटर जाकर बच्चे शहर दूसरे शहर में जाने की बात नहीं करें। और धीरे धीरे उस बड़े कस्बे के नेतृत्व में साझा योजना बनाते हुए शहरों की सारी व्यवस्थाएं गांव गांव में उपलब्ध हो। तो गांव की अच्छाई यथावत रखते हुए सुविधा व्यवस्था की दृष्टि से जो शहरों में बात है वो वहां मिल जाए, तो जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार जो हम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वो सारी बातें यथावत रख पाएंगे। आज भी हम अनुभव करते हैं कि गांवों में बहुत कुछ बचा हुआ है शहरों की तुलना में। तो ये जो एकात्म मानव दर्शन की बात पंडित जी ने कही है, मुझे लगता है कि उस पर गहराई से काम इस संस्थान में अगर किया जाता है, इस पर बच्चे शोध अनुसंधान रिसर्च पीएचडी करें, यह भी बात हो सकती है, और क्रमबद्ध रूप से पहले स्वतंत्र रूप से काम होगा, फिर क्रमबद्ध रूप से इसको हर पाठ्यक्रम में कैसे इसका समावेश किया जाए, ये फिर आगे शुरू होगा। और हमने जो 5 गांव लिए हैं, उस गांव में इसी चिंतन को व्यवहारिक धरातल पर हम दिखाए लोगों को। जब तक
व्यवहारिक धरातल पर प्रायोगिक रूप में बातें जितनी होगी तब तक भाषणों की बात का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। हम लोगों ने शिक्षा संस्कृत में जो काम कर रहे हैं तो हमने एक पद्धति विकसित कर दी है कि पहले काम करो बाद में बोलो। हमने चरित्र निर्माण व्यक्तित्व के समग्र विकास का पाठ्यक्रम बनाया तो उसके पहले हमने प्रयोग किए, चार पांच साल जहां प्रयोग हुए वहां अच्छा एक मॉडल खड़ा हुआ, प्रतिमान खड़ा हुआ, पहले विद्यालय का सब किए फिर हम उच्च शिक्षा में आए तो आज कह सकते हैं कि हाँ ये जगह जाओ देख सकते हैं प्रयोग इस पाठ्यक्रम का परिणाम क्या है। तब हमारे में भी हिम्मत होती है कि हम बोलते हैं हाँ ये सिद्धांतों की बात नहीं, ये व्यवहार आप देख सकते हैं। तो इस दृष्टि से इस चिंतन को भी पांच गांवों में लोगों को दिखा भी सकते हैं कि जो दीनदयाल जी चिंतन है व्यवहारिक ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का कार्य इस पीठ के द्वारा हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सालों से लोग विद्वान लोग हम जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे शैक्षिक संस्थान विश्वविद्यालय विशेषकर टापू नहीं होने चाहिए। आज क्या है अधिकतर हमारे विश्वविद्यालय टापू बन गए। टापू का मतलब क्या है? समुद्र में जो टापू होता है ना, जानते हैं सब लोग कि समुद्र में कोई छोटी जगह होती है, चारों ओर समुद्र है लेकिन बीच में वो खड़ा है तो उसका समुद्र के साथ सीधा कोई लेना देना नहीं। तो हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की स्थिति ऐसी हो गई अधिकतर के विश्वविद्यालय तो ऐसी है, सब प्रकार की सुविधा है, सब है वहां, और विश्वविद्यालय के बगल में कोई झुकड़पट्टी है, वहां लोग भूखे मर रहे, संस्कार नहीं है, कई बात है, लेकिन विश्वविद्यालय का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये भारतीय शिक्षा की पद्धति नहीं है। विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थान तो समाज के सुख दुख में भागीदारी करने वाले, समाज के ऐसी स्थिति में नेतृत्व करने वाले होने चाहिए जो इस कोरोना महाकाल में बहुत अच्छी बात है कि बहुत शैक्षिक संस्थानों ने इस प्रकार काम किया है और इस विश्वविद्यालय ने भी उसकी शुरुआत की है। मैंने अभी सिंह साहब को कहा, मैंने कहा आपकी बात में कभी कभी कई जगह उदाहरण दे रहा हूं, मुझे मालूम है कोरोना काल जब शुरू हुआ तो मैं रोज 5-10 लोगों को फोन करता था, बिना काम फोन करता था, और मैंने हजारों कार्यकर्ता को ये कहा कि सब बिना काम फोन करो लोगों को, जिसको रोज काम के लिए फोन करते वो नहीं गिनो, इसको मत गिनो। तो ऐसे मैंने सिंह साहब को फोन किया, मैंने कहा कि ये कोरोना महामारी है, इसमें आपका विश्वविद्यालय क्या करेगा? तो कि बताइए, मैंने कहा क्या कुछ एक दिन का वेतन वगैरह दे सकता है प्रधानमंत्री? तो क्या हम बातचीत करके आपको बताते हैं। तो सिंह साहब भी इसी परंपरा गए, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, वर्कशॉप मुझे पर प्रेस पत्र में आ गए कि एक दिन का नहीं 2 दिन का वेतन विश्वविद्यालय कर्मचारियों सबने देने का तय कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे काम कोरोना महामारी में अपने शैक्षिक संस्थान ने किए, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोरोना महामारी चुनौती और अवसर, चुनौती बहुत बड़ी भयानक थी लेकिन इसको हमने अवसर में बदलने का प्रयास किया सबने मिलकर। कई शैक्षिक संस्थानों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, वेंटिलेटर भी हमारे विदेश से आते थे तो कुछ आईआईटी वगैरह ने छोटे छोटे स्मॉल वेंटिलेटर बनाकर दी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु ने बच्चों ने रोबोट बनाया जो नर्स का काम कर सके, कोरोना में बहुत जरूरी थी। बाद में मैंने पढ़ा कि एक अस्थाई हॉस्पिटल अस्पताल बनाया, 2 लाख रुपये बन गया, वो पैक कर देते हैं फिर गाड़ी में ले जाओ और वहां जाकर गांव में जहां जाना है वहां खोल दो तो अस्पताल छोटा सा बन जाएगा। ये सब बच्चों ने किया, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शैक्षिक संस्थानों ने किया है। तो ये सब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, चाहे बच्चे हो चाहे हमारे आचार्य हो, सब अच्छे विद्वान है हमारे। तो इस दिशा में कार्य करने का एक बहुत अच्छा एक ये माध्यम बनेगा इस विश्वविद्यालय की दृष्टि से।
तो इस प्रकार इस अध्ययन पीठ में हम लोग विचार करें और इसमें जो भी काम करना है इस काम के लिए हमसे भी जो भी अपेक्षा होगी ये हमारी क्षमता के अनुसार हम करने का प्रयास करेंगे। मैं भाषण देकर नहीं जाऊंगा शिव में, जो भी सुखा साहब सिंह साहब कहेंगे कि हाँ हमको ये अपेक्षा है आप इसमें सहयोग करिए तो हमारी क्षमता जितनी होगी उतना प्रयास करेंगे और कार्य में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना, एक दूसरे योगदान करना, सिर्फ बातें नहीं करना, यही तरीका होना चाहिए काम का। एक महाविद्यालय प्राचार्य है, महिला है, तो उन्होंने कहा कि चर्चा, और मैंने कहा कि आपके ऑनलाइन तो कितने बच्चों को कठिनाई आ रही है, लड़कियों का महाविद्यालय है, 2000 ज्यादा लड़कियां है वहां, तो उन्होंने कहा कि 200-250 लड़कियां ऐसे कि जिसके पास थोड़ा मोबाइल एंड्रॉइड वगैरह चाहिए ऐसे नहीं है व्यवस्था। तो मैंने कहा 200-250 लड़कियों की व्यवस्था हम लोग नहीं कर सकते क्या, तो कैसे करें भाई। मैंने कहा आपका मैनेजमेंट को पूछिए कि वो कितना करेंगे, बड़े बड़े लोग मैनेजमेंट में। मैंने कहा आपके 200-250 छात्रा छोड़कर बाकी 1800 छात्राएं है, उनको आप आह्वान करिए, उनके अभिभावकों को आप आह्वान करिए, आपके आचार्य प्रोफेसर जो है उनको बताइए कि आप क्या करेंगे। और मैंने कहा जब ये काम शुरू करेंगे तब 10 मोबाइल की व्यवस्था हम लोग करेंगे, क्योंकि लुखा सुझाव दे दूं मैं ये तो ठीक नहीं। हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक थे जिनको मैं एक प्रकार से आदर्श मानता हूं, अभी तो नहीं रहे वो, तो एक बार मैं मिलने गया तो हम लोग पहले शिक्षा बचाओ आंदोलन नाम चलता था उसकी पत्रिका, तो हम बिल का 6000 लोगों को देश में बिना शुल्क भेजते, लेकिन लंबे समय नहीं कर सकते, हमने तो भी 4 साल किया था वो काम। फिर हमने शिक्षा उत्थान न्यास किया तो शिक्षा उत्थान नाम की पत्रिका हमारी आती है और उस पत्रिका का हमने शुल्क तय किया, भाई वार्षिक शुल्क 100-200 रुपया है और आजीवन 1000 रुपया। तो मैंने कहा ऐसे मैं जो भी काम करता हूँ उनको हमेशा बताता हूँ जब जाता था जब देता था। तो उनसे बात करते करते हमारी सारी बात सुनते थे और आधे घंटे घंटे बैठते थे, एक आध बात ऐसी कुछ कर देते थे कि जो जीवन पर हमको उपयोगी हो जाती। तो जैसे बात किए खड़े हुए हमारे से 1000 रुपया निकाल कर मुझे दिए। मैंने कहा भाई आपको तो इतने वरिष्ठ प्रचारक है आपसे कैसे पैसा ले सकते, मैं तो जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो ये तो ठीक है। मैंने कहा संघ से थोड़ा पैसा लेंगे। तो उन्होंने कहा अतुल भाई ऐसे सब काम में संघ पैर नहीं करेगा तो कौन करेगा, और उनका ये संघ का नहीं है तो ये गुरु जी स्मृति समिति है, ट्रस्ट है उनके तहत। ठीक है, मेरे पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए, मैंने 1000 रुपए जेब में रखने से मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो वही संस्कार है कि भाई हम भी ऐसे सब कामों में जितनी हमारी क्षमता शक्ति है उसकी योगदान की शुरुआत तो हमने करनी चाहिए। हमारे माननीय अध्यक्ष विनायक बत्रा जी, तो जब भी ऐसी देश में विपत्ति आपत्ति पर आती है तो हम लोग अभियान चलाते हैं कुछ न कुछ सहयोग करें इसमें। तो चलाते समय जब मैं बात करता हूँ तो उन्होंने कहा कि अतुल जी पहले 11000 में लोअर कोषाध्यक्ष हमारा है फाइनेंस का बुरा है कि 11000 का चेक बना दो मेरे अकाउंट से और दे दो फिर आप अभियान शुरू करिए। तो यही दीनदयाल जी ने भी जीवन पर किया और यही परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो व्यवहारिक रूप से इस अपने विश्वविद्यालय के आचार्य से लेकर बच्चों में ये परंपरा धीरे धीरे विकसित कैसे हो कि बाकी विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र और हमारे विश्वविद्यालय के छात्र में अंतर होगा। बाकी विद्यालय विश्वविद्यालयों के आचार्यों और हमारे आचार्यों में कुछ अंतर है
और जो शुरू मैंने कहा था कि आचार्य कौन है, उस संकल्पना का विनोबा जी का उदाहरण दिया था, ऐसा आज भी ऐसा आचार्य है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मित्र एक है दिल्ली में विश्वविद्यालय से सेवा विहार अभी सामाजिक काम में लग गए, तो उनको मैं कहता हूं कि आपके छात्र को मैं पहचान जाता हूं। तो कैसे, मैंने कहा दो बात होती है उसमें, एक विद्वान होता है और एक विनम्र होता है, क्योंकि वो हमारे मित्र भी प्रोफेसर साहब है, वो मूर्धन्य विद्वान है कि देश में कम ऐसे विद्वान होंगे, इसमें एक है वो, और इतने विनम्र है कि मैं कहता कभी भोजन की रात को देर जाते तो आप क्या करते हैं, शादी वादी की नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चावल उबाल में रख देता हूँ, हाथ मुंह धो लेता हूँ तो 15-10 मिनट उबल जाता है चावल तो, और फिर नमक डालकर खाकर सो जाता हूँ। तो ये विद्वान विनम्रता और ये जीवन में सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, इनके विचार की इतनी ऊंचाई है कि मुझे रास्ता नहीं मिलता, मुझे कोई शब्द नहीं समझ में आता, अर्थ समझ में नहीं आता, मैं उनको फोन करके पूछता हूँ, तो इतने ऊंचाई है उनकी विचारों की, लेकिन जीवन कैसा है कि चावल और नमक से भी सो जाते। तो इस परंपरा जो है हमारी भारत की स्थाती है, ये हमारी संस्कृति है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये अध्ययन पीठ हम सबके लिए आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि इनके साथ जो नाम जुड़ा है दीनदयाल जी का नाम जुड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, जिनकी कथनी करनी, जिनका आचार व्यवहार, इसमें कोई विरोधाभास नहीं था। उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ जीवन जिया कि हम हमारी सारी परंपरा संस्कृति को जीवित रूप में देखना चाहते तो उनका जीवन था, और इसके लिए श्रद्धेय भवरव जी जो उत्तर प्रदेश में ही, जिनका संबंध रहा है, आप में से कम लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके अनुसंगिक संगठन का इतना बड़ा काम खड़ा हुआ है, उसकी नींव में वो व्यक्ति है। और नागपुर के बोलते, नागपुर से यहाँ प्रचारक करके डॉक्टर एडवार ने भेज दिया, और वो भूल गए कि नागपुर के महाराष्ट्र में, वो भूल गए जीवन में कोई मरा की बात में बोलते नहीं थे वो, और उत्तर प्रदेश ही उनके कण कण में, क्षण क्षण में जीवन में उनका बस गया था, ऐसे व्यक्ति ने, क्योंकि वो दीनदयाल जी के साथ उन्होंने काम भी किया था, तो उन्होंने जो बातें दीनदयाल जी के बारे में कही थी वो अंतिम एक छोटे से पैरा पढ़कर मैं मेरी बात को पुनर्विराम दूंगा। मैं उन्हें इसलिए संत कहता हूं, मैं उन्हें इसलिए संत कहता हूं कि सादा और कष्टमय जीवन जीने पर भी उनके व्यक्तित्व पर उनका कोई विपरीत परिणाम नहीं हुआ था, यानी जीवन में कई कष्ट आए लेकिन उनके जीवन पर कोई विपरीत परिणाम नहीं हुआ इसका। सादा और कष्टमय जीवन तो और भी लोग जीते होंगे, किंतु इसके लिए आवश्यक मानसिकता न होने के कारण लोगों के व्यक्तित्व में विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। कई बार होता है जिनके जीवन हम सकारात्मक दृष्टि देखते वो अलग विषय है, लेकिन कई बार लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो फिर हम कहते हैं प्रतिक्रिया क्यों देते, उसके कारण में जाओ, कुछ उसका भूतकाल के कारण होते इसलिए वो इस प्रकार बोलते हैं, तो इसको समझ कर हमने शांति से सहन करना वही रास्ता अच्छा होता है। वो हम सोचे ही बराबर है, लेकिन उस व्यक्ति ने दूसरा सोचना चाहिए जो दीनदयाल जी ने सोचा था, कि उनकी व्यक्तित्व या मानसिकता पर विपरीत परिणाम नहीं हुआ उसका। परंतु दीनदयाल जी का आदर्श जीवन, उनका स्वभाव व कर्म जीवन इस बात की प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, जीवन कितना भी कष्टमय क्यों ना हो, हमें अपने संस्कारों, आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कभी भी बांध छोड़ नहीं करनी चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये दीनदयाल जी थे, तो ऐसे श्रद्धेय दीनदयाल जी के जीवन पर हमने अध्ययन पीठ स्थापित की है, और एक प्रकार से आज जैसे जो मान्य शुक्ला साहब ने कहा कि एक प्रकार से आज अनौपचारिक उद्घाटन उसका हो रहा है, तो इस प्रकार के एक बहुत गरिमामय कार्यक्रम में मुझे आपने बुलाया, निमंत्रित किया, और मुझे इस महापुरुष को आपके सामने विषय रखना था, तो फिर से थोड़ा अध्ययन करने का अवसर भी दिया, और ऐसे महापुरुष पर बोलना ये वास्तव में
अपने आप संस्कार करने वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस व्याख्यान के द्वारा मेरे में भी कुछ अच्छे संस्कार की और बढ़ोतरी होगी, इसलिए आप सभी को इस अवसर के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। बहुत हमारे मुख्य अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने विवेकानंद के दर्शन से होते हुए दीनदयाल जी के एकाग्र दर्शन को इतने दृष्टांतों से समझाकर हमें अनुग्रहित किया है। सर, आपके उत्कृष्ट उद्बोधन से निश्चित ही हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। आपका उदार व्यक्तित्व और दर्शन भी हम लोगों के लिए प्रभावित करने वाली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय कुलपति महोदय जी से मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि सर हमारे मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र से सम्मानित करें। संयोजक महोदय से आग्रह है कि मुख्य अतिथि को स्मृति स्वरूप सर्व समावेशी सांस्कृतिक कुंभ इसी के साथ ही जिनके दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप आज का यह कार्यक्रम इस रूप में परिणित हो रहा है, जिनकी उदारता के कारण हमें इस तरह के कार्यक्रम संचालित करने का अवसर प्राप्त होता है। आपके विषय में जितना कहा जाए कम है। आप हिमालय गंग सरीखे, उच्छल जल तरंग सरीखे, सर प्लीज प्रेम रंग के चंदन करते चरणों में आके वंदन करते सर आपका स्वागत। कोई श्लोक दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनका आज हमें आध्याय प्राप्त हुआ माननीय श्रीमानंद कोठारी जी, प्रोफेसर जी शुक्ला जी, संस्थान के आयोजन सचिव डॉक्टर संजय सिंह, आयोजन सह सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण एवं अन्य श्रोतागण तथा मीडिया के लोग, दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के उद्घाटन के अवसर पर आज हमें पाथे प्राप्त हुआ। एक ऐसा दर्शन जो विश्व का विकल्प है, साम्यवाद और पूंजीवाद के असफलता के बाद पूरा विश्व जो एक दर्शन की तलाश में भटक रहा है, आज एक आत्म मानव वर्ग के दर्शन कितना सहज शब्दों में और कितने चिंतन और शोध के आयाम आपने दिए, उनका चंद शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक ऐसा विराट दर्शन जिसके आधार पर अर्थतंत्र और सामाजिक जीवन के जितने प्रखंड हो सकते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र की रचना कैसी हो, यह बहुत बड़ा आयाम है, यह साधारण काम नहीं है। तो आपने एक व्यापक फलक दिया लोगों के सोचने का, उस पर कार्य करने का, यह एक शोध पीठ के लिए आयाम है। एक बहुत बड़ा हम सभी शिक्षकों के लिए और वो कैंपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, कैंपस में सारी सुविधा है, लेकिन हम टापू में निकलना है, एक बहुत बड़ा दर्शन है ये शिक्षा का, आज के समय में इसकी आवश्यकता है। कैसे कैंपस हर कम्युनिटी के प्रति संवेदनशील बने, क्योंकि हम कैंपस बहुत सुसज्जित हो जाए, कैंपस बहुत रिच हो जाए, हमारी एपीआई बहुत बढ़ जाए, हमारे देश सब ठीक हो जाए और हम एक टापू की बात बने रहे, और जो निचला जो तबका है वह उजड़ा पिछड़ा विद्या बिछड़ा रहे,
तो इससे विश्वविद्यालय भी सुरक्षित नहीं है और विश्वविद्यालय का हित भी सुरक्षित नहीं है और विश्वविद्यालय की जो सोच है जो दिव्य लक्ष्य है वो भी पूरा नहीं हो सकता। आपके उधर को एक याद दिलाया और कदाचित जो तो गाँव का चयन किया गया है उसको कार्य रूप उसमें दिया जाए, खास करके जो निचले तबके की बात कही, क्योंकि आपके पास समय रहता तो और ज्यादा बोलते और हम लोग सुनते निचले तबके की बात। जो अंत्योदय की बात आती है वह एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की थी, यह एक बहुत बड़ा आयाम आपने दिया है अंत्योदय को। बस एक एक कहानी छोटी से मैं कहूंगा, उसी से दो मिनट में जान रहा हूँ कि एक एक क्षण आपके लिए भारी पड़ रहा है उतना है, और बड़ी हमारे अनुरोध पर आपने समय दिया क्योंकि आप बड़े व्यस्त रहते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो प्रवास न लगता हो, कहीं कहीं कुछ न कुछ आज खत्म हुआ तो कल का लगा होगा। तो अंत्योदय भाई समाज के जो निचले पैदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी पीड़ा को समझना, उसकी पीड़ा के अनुभूत को समझ करके उसका निवारण करना हम सभी का एक दायित्व है। और जब तक उस समाज के निचले पैदान पर खड़े व्यक्ति की उपेक्षा होगी, उसके भावनाओं पर रौंदा जाएगा, यह समाज भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इस भी सुरक्षित है। उसको बचपन में कहानी सुनने को मिली थी अंत्योदय में, ठीक मैं बैठे बैठे सोच रहा था उस कहानी को याद कर रहा था। हमारे एक कहानी कही जाती है, हमारी माँ ने कम से कम 50 बार हमको सुनाया होगा और सभी लोग सुने होंगे जो पूर्वांचल में रहे होंगे, बलिया वगैरह में तो चलती है, कि एक गोरैया जो है घूरा जो जहाँ गाय को गोबर वगैरह जहाँ फेंका जाता है उसे वो अपना चारा ढूंढ रही थी। मैना भी एक था, एक वो चना पाई चिड़िया और लेकर के उड़ना चाहिए, तब तक मैना ने उसको घेर लिया, कहा अरे मैं घूरे की रखवाली कर रहा हूँ, तुम लेकर उड़ रही हो अकेले अकेले और चालू रही हो, तो कहीं भाई नहीं ले जा रहे हैं, चलो तुमको आधा इसमें से दे देंगे। तो उसने कहा कि अब उसको पूरा गा करके करती थी और गाते गाते कभी कभी बीच में सो भी जाते थे, तो फिर दूसरे दिन वो शुरू हो जाती थी, ना वो पूरी होती थी कहानी ना दिन पूरी होती थी, तो खैर धीरे धीरे पूरा हो गई। तो वो कहानी का भाव यह था कि वो भोजपुरी में चलती थी पूरा गा करके, तो उसने कहा गोरैया ने कि भाई चलो इसको चाकी होती है, पता नहीं कितने लोग चाकी देखे हैं इसमें से, हम लोग चाकी देखे हैं दाल भरने वाली, तो कहीं चलो चाकी में इसको पीसते हैं और दो दाल हो जाएगा, एक दाल तुम ले लेना एक दाल हम ले। अब हुआ क्यों है कि भाई एक दाल उसमें फंस गई, एक दाल निकल गई, और जैसे ही दाल निकली मैना सलाद का लेकर उड़ गया, अब बेचारे को भूखे रह गए। अब कहे क्या करें, लेकर उड़ गया अब इसमें फंसी हुई है। वो बढ़ई के यहाँ जाती है, वो कहती है कि बड़ी बड़ी खूंटा फिर खूंटा में मूंग दाल है, का किया का पिए का परदेश जाए, पता नहीं क्या सुना है कि नहीं आप लोगों ने। और ऐसे चलता जाता है, अब वो खूंटे के दाल उसमें से निकल रही, तो बढ़ई ने कहा कि हाँ एक दाल के लिए तुम्हारे चले, हम तुम्हारा ये काम करें, यही हमारा काम रह गया है। बढ़ई ने कहना राजा कह रहा है, राजा ने कहा कि दाल के लिए उस बढ़ई को हम सजा देंगे, ठीक लगता है क्या? वो भी नहीं सुना। फिर रानी कह गई, कह रहे भाई ऐसा करो जरा हमारा ये देखो ये वो बढ़े नहीं काम पर राजा राजा साहब से सिफारिश कर दीजिए, जिससे हम लोग का नहीं काम होता था सिफारिश भी करते हैं, तो सिफारिश किया उसने को लेकर। राजा कहा कि क्या छोटी मोटी चीजों बात में फंसी रहती हो भाई, ये सब कुछ सिफारिश करने वाली बात है, हम इस छोटे से काम के लिए नहीं करेंगे। अब वो रानी भी नहीं, तो फिर वो सांप कह गया, सांप सांप तुम्हारी रक्षा करो यार, रानी को काटो ये सुन नहीं रही। अब इसे सभ्यता जगह जाता है, आदमी सामान्य आदमी से पीड़ित होता है सभ्यता जगह जाता है। सांप भी कहता है कि बताओ एक तुम्हारे दाल के लिए रानी को काट, रानी मर जाए थोड़ा काफी दूर हो जाए, ये ठीक करता है क्या? ऐसा मत करो तुम्हारा काम है। फिर वो लाठी कह जाती है,
ताकि लाठी जो है उस सांप को मार दो। और लाठी फिर मना कर देता है, हाँ तुम्हारे एक छोटे से कहने के लिए मैं लाठी से मारू उसको अंदर मर जाए। और पूरा गा गा कर ये कहानी घंटों दो घंटे चल सकती है। और वो कहानी सोते से बड़ा मजा आती थी और वो सुनने भी अच्छा लगता था, नींद भी खूब अच्छी आती थी। तो अब मुझे तो यही शेष है। और करते करते ये कहानी जो है फिर वो हाथी कह जाती है। हाथी कि हाथी ऐसा करो सुन, ये देखो, अरे आग को उसने कहा लाठी, लाठी ने कहा लाठी, तुमने नहीं कहा माने तो आग क्या है, आग देवता ये रक्षा करो। तो आग ने कहा कि अच्छा छोड़ने के लिए तुम्हारे सारे जंगल को जला दें, ये ठीक लगेगा। वो भी नहीं माने, फिर वो भी नहीं माने तो कहीं अच्छा तुम समुद्र कह सकते हैं, समुद्र जो है प्रार्थना कर के ऐसा आग है इसको खत्म कर दो, तुम ये हमारा छोटा सा काम नहीं कर रहे हैं। इतनी श्रृंखला, ये समाज में एक छोटा सा व्यक्ति जब पीड़ित होता है तो कितनी जगह दौड़ता है, हर जगह सुनवाई नहीं होती, वो पहुंचता है वहां तक सागर सागर का गहरे। अब यही काम बाकी रह गया है। तो फिर हाथी कहेंगे, हाथी ऐसा करो तुम सूर से इसको सोख डाल समझो, तब ये मानेगा कि सुधरेगा नहीं। फिर वो सागर करते गहरे, हाथी कहा कि मैंने अब तुम्हारे काम के लिए ही बाकी रहता है। अब हार करके चिड़िया जो है नदी के किनारे भर गई, घर में बैठ गए बेचारी गौरैया, कहे कि इस दुनिया में कोई गरीब आदमी का असहाय आदमी का सुनने वाला नहीं है। तब तक एक चींटी जो है टहल रही थी और चींटी मुझे, अरे दीदी क्यों इतनी परेशान हो, क्यों इतनी चिंता में हो, अब तो क्या बताएं, बड़े बड़े लोगों से कह दिया, अब तुमसे कहकर क्या करेंगे, तुम पूछ रही हो क्या हाल है, तुम क्या करोगी। कहेंगे अरे बताओ दीदी, अच्छा ठीक है बताती हूँ, बताई। अब फिर उल्टा सीरीज में कहानी चलती है कि हाथी के कहते अच्छा हाथी के नाक में चढ़ना शुरू करते, हाथी चिल्लाने लगी, कहते क्या किया तुमने क्या किया। कहा जाता है कि हाथी यदि मस्तक पे चल जाए चींटी तो मर जाएगी। अब हाथी चिल्लाने लगी, फिर वो हाथी भागी समुद्र को, यहाँ समुद्र दौड़ा, फिर उसके पीछे और फिर वो सांप दौड़ा रानी के पास, रानी दौड़ी राजा के पास, राजा फिर बड़े बुलाता, कहानी आई गई खत्म हो गई, खत्म हो गई। लेकिन असहाय क्या निकलता, इसका आशय क्या निकलता, ये समाज के एक निचले पैदाम पर खड़े हुए व्यक्ति यदि उसकी उपेक्षा होगी तो पूरी एक लहर पैदा। इसलिए समाज ये हम विश्वविद्यालय के लोग एक टापू बन करके ना रहे, एक टापू बन के जा रहे हैं। समाज हमारे कम्युनिटी के प्रति कैंपस की जो भूमिका है, जो हमारी अपेक्षा हमारी ओर से जन सामान्य को अपेक्षाएं हैं उस पर भी हम खरा उतरे। तो आपने इतने सारे आयाम खोल दिए हैं, मुझे लगता है कि सुधा जी को अब काम कराते कराते कई बार प्रोफेसर होना पड़ेगा तो खत्म होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि प्राथमिकताएं निर्धारित करिए, जिसे आपने प्राथमिकता दिया कि शैक्षिक नए नई शिक्षा नीति के आलोक में एकात्म मानवभाव के आधार पर शैक्षिक पुनर्चना कैसे हो, इसको लेकर के काम करें। और अन्य भी आयाम हो सकते हैं तो बोले का समय नहीं, आपको जाना है तो उनकी कहानी का देखते लंबा समय हो गया। तो का मतलब यही था कि भाई वही अंत्योदय है कि भाई देखिए हर आदमी की भावना को सम्मान होना चाहिए और समाज की जो अपेक्षाएं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो मैं मुख्य अतिथि के प्रति देखिए इतने व्यस्त व्यक्ति ने इस विश्वविद्यालय को समय दिया, आपसे हमारी अपेक्षाएँ हैं। यह पीठ अभी नहीं है, अभी शैशवावस्था में है, आयाम बहुत है, जब भी इस पीठ को जरूरत है तो उनको भी समय देते रहें। और इसी के साथ मैं दीनदयाल उपाध्याय सूत पीठ को कि ये गांव जो अपनाए हैं उसमें अंत्योदय के कॉन्सेप्ट को लेकर के छांटिए उसे हम कि हम उसके लिए क्या कर सकते,
अब कुछ पर जिससे आपने देखा ना सामूहिकता का अभाव, व्यक्ति के अकेले कोई ताकत नहीं, अकेले व्यक्ति की कोई ताकत नहीं। भाई केएल सिंह माइनस यूनिवर्सिटी इक्वल टू जीरो, भाई जहाँ समूह है तभी हम हैं, माइनस करके व्यक्ति कोई ताकत, लेकिन सामूहिकता में ताकत होती है। जो आपने बताया सामूहिकता, सामूहिकता 250 लड़कियों को उन्होंने बस चलो भाई आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, दबाव नहीं प्रभाव से और करके दे दिया। अरे इतना बड़ा देश, 1 अरब 31 करोड़ लोग, इतने बड़े कामों के लिए हम 1-1 रुपया दे तो 1 अरब 31 करोड़ होता है, और 10-10 रुपया देने कौन नहीं है, ऐसा 10 रुपया देना ऐसा कोई है, 10 रुपये क्या है, तो 10 अरब 31 करोड़ कितना कहीं भी, तो एक सामूहिकता का भाव, लेकिन इसके जड़ में अनामिकता का भाव, अनामिकता का भाव कि हमने ऐसा किया। देखिए कभी भी आप देखो कहीं अनामिकता का भाव हमेशा रहा, नामिकता का भाव कि मेरा नाम वो इसमें कहीं नहीं रहा, मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान होते उसके इस कर्ताधर्ता माने अतुल पठारी जी का के प्रति साधुवाद देता हूँ, और पीठ ही समय रहते मैं चाहूँगा कि एक दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ का आपके इस संस्थान से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपसी सहमति भी एक बन जाए तो अच्छा रहेगा, तो उससे आना जाना रहेगा अच्छा रहेगा, मैं इसकी भी अनुमति चाहूँगा आगे चल के कभी भी समय मिलेगा तो इस पर हम चाहेंगे सब हो जाए। और इसी के साथ आप सभी को वह ये आयोजक मंडल को साधुवाद देते हुए और सभी के प्रति साधुवाद देते हैं, शांतपूर्ण तरीके से अपने अच्छे श्रोता कहाँ मिलते हैं, सुनना तो बहुत बड़ी बात है भाई, सुनने वाले कहाँ मिलते हैं, बोलने वाले ज्यादा मिलते हैं, तो आप श्रोताओं के प्रति भी साधुवाद देते हैं, अपनी वाणी मुस्कान देता हूँ, धन्यवाद। हमें अभी अनुरोध किया है 2 मिनट का समय और भी लिया है, आप जानते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में रैली नामक गांव जहाँ से चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था जिसने पर्यावरण आंदोलन को भी स्वतंत्र पहुंचाया, उसी गांव से ग्लेशियर फिसलने से इतनी बड़ी तबाही हुई है, बहुत सारे लोग अभी भी सुरंग में फंसे हुए हैं, और 2-3 दर्जन से ऊपर तो चुके अभी कितने उसमें फंसे हुए हैं, कितने लोग लापता हैं, तो लापता लोग हैं मिले और दूर तक हैं, उनके परिवार के लोग सांत्वना मिले, भगवान उनको इस असीम को बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करें, इसके लिए माने अतुल जी की सम्मति मिल जाए, 2 मिनट का मौन रखेंगे उनके प्रति, उसके बाद राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान होगा। जय
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा।